आज हमारा टॉपिक है भोर कमेटी। भोर कमेटी जो है वो जोसेफ विलियम भोर जो थे उनके अंडर ये कमेटी बनाई गई थी, और ये कमेटी का जो दूसरा नाम है वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ओके, ये कमेटी की जो जो सेटअप था वो किया गया था 1943 में, और अगले दो साल तक ये लोग जो प्लानिंग थे वो करते रहे। इन्होंने पूरी सर्वे की और उसके बाद इन्होंने अपना जो कमेटी का रिपोर्ट था वो सबमिट किया था 1946 में। तो इसका जो सेटअप डेट है, एस्टैब्लिशमेंट डेट है, वो 1943 है, और इसका जो रिपोर्ट सबमिशन डेट है वो है 1946। ओके, सो ये कमेटी क्यों बनाई गई? ये कमेटी इस उद्देश्य के साथ बनाई गई कि उस टाइम पे, मतलब ये जो 1943 में जब ये कमेटी का सेटअप हुआ था, उस टाइम पे जो इंडिया के जो हेल्थ सिस्टम का जो कंडीशन था या जो पोजीशन था, उस चीज़ के बारे में सर्वे करने के लिए, और क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, क्या और चीज़ें हेल्थ सेक्टर में इंक्लूड करने चाहिए, ये सारी चीज़ें सर्वे करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ओके, to survey then existing position regarding the health condition and health organizations in the country, that is India, and to make recommendation for future development in order to improve the public health system in India. Okay, so is uddeshya ke sath ye bhor committee banayi gayi। bhor committee ke kuch recommendations hain jo bahut important hai hamare liye janna। to usme jo sabse pehla recommendation hai wo ye tha ki preventive and curative services jo thi health सेक्टर में उसको इंटीग्रेट करना। मतलब हम सिर्फ बात कर रहे हैं कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो उस टाइम पे इतना जो स्ट्रेस था वो प्रिवेंटिव केयर को नहीं दिया जाता था। तो भोर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन रखा कि प्रिवेंटिव केयर को भी, प्रिवेंटिव केयर सर्विसेज को भी क्यूरेटिव सर्विसेज के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। ओके, मतलब कि हम केवल और केवल ट्रीटमेंट ऑफ जो डिज़ीज़ है उस पर ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़ पे भी क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ओके, सेकेंड जो रिकमेंडेशन था वो था पीएचसीज़ के डेवलपमेंट को लेकर, जो दो फेसेस में रिकमेंडेशन दी गई थी। एक शॉर्ट टर्म प्लान था और एक लॉन्ग टर्म प्लान था। शॉर्ट टर्म प्लान इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जो तुरंत में किया जा सके, ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसके लिए एक एट प्रेजेंट एक निवारण किया जा सके, और एक लॉन्ग टर्म प्लान था जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ज़्यादा टाइम इंक्लूड होता है, सो दैट वॉज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म मेजर। ओके, सो शॉर्ट टर्म मेजर में उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि देयर शुड बी वन पीएचसी फॉर 40,000 पॉपुलेशन। ओके, वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर टू कवर द पॉपुलेशन ऑफ 40,000 पीपल, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि कितने स्टाफ होने चाहिए। देयर शुड बी टू डॉक्टर्स, वन नर्स, वन पब्लिक हेल्थ नर्स दैट इज PHN, फोर मिडवाइफ्स प्रेग्नेंट मदर और डिलीवरीज कंडक्ट करने के लिए, फोर ट्रेंड दाइस, टू सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, टू हेल्थ असिस्टेंट्स, वन फार्मासिस्ट, 15 अदर क्लास फोर वर्कर्स। ओके, सो इतने लोगों के स्टाफ के साथ उन्होंने रेकमेंड किया था कि एक पीएचसी सेटअप होना चाहिए फॉर 40,000 पॉपुलेशन। मतलब अकॉर्डिंग टू 40,000 पॉपुलेशन देयर शुड बी एन इंफ्रास्ट्रक्चर या देयर शुड बी अ सेटअप ऑफ वन पीएचसी। ओके, देन लॉन्ग टर्म मेजर क्या था? लॉन्ग टर्म मेजर का दूसरा नाम है 3 मिलियन प्लान। तो ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि वॉट इज़ अ 3 मिलियन प्लान। 3 मिलियन प्लान वॉज अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर पीएचसी सेटअप, जिसमें प्राइमरी हेल्थ यूनिट का सेटअप बोला गया था, 75 बेडेड प्राइमरी हेल्थ यूनिट का, 75 बेडेड हॉस्पिटल जिसमें कवर करेंगे 10,000 टू 20,000 पॉपुलेशन ऑफ पीपल। सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर जिसमें 650 बेडेड हॉस्पिटल का प्लान दिया गया, एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 2,500 बेड का प्लान था। ओके, सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म मेजर। नाउ द थर्ड मेजर इज मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन विच इंक्लूडेड 3 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड 3 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम किस चीज़ में दिया जाना चाहिए? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसके बाद हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, सोशल फिजिशियन। सोशल फिजिशियन को प्रिपेयर करने के लिए 3 मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, इन विच दे विल बी टॉट अबाउट प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ओके, एंड फोर्थ क्या था,
कि उस टाइम पे देयर वर मेनी हेल्थ रिलेटेड या मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज, जैसे लाइसेंसिएटेड इन मेडिसिन करके बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते थे, जिसके बाद जो वो लोग थे वो पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। तो बोर्ड कमेटी ने ये रिकमेंडेशन रखा कि हेल्थ सेक्टर या हेल्थ प्रोविज़न को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे जो टेम्प्रेरी टाइप के या ऐसे जो लाइसेंसिएटेड मेडिसिन जो कोर्सेज हैं या उससे जो प्रोफेशनल्स आते हैं, वो सारी चीज़ों को अबॉलिश कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और एक स्टैंडर्ड कोर्स क्रिएट किया जाए जिसकी डिग्री दी जाएगी और वही व्यक्ति क्या करेंगे, प्रिवेंट क्यूरेटिव या ट्रीटमेंट के लिए असाइंड होंगे। उस कोर्स को नाम दिया गया था MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके, सो एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिएट इन मेडिकल प्रैक्टिस क्वालिफिकेशन एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय अ सिंगल स्टैंडर्ड डिग्री, जिसको हमने कहा MBBS डिग्री। ओके, एंड द लास्ट थिंग वॉज क्रिएशन ऑफ अ मेजर सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए, जो बोर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिया गया था, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का न्यू इंडियन गवर्नमेंट था उन्होंने बाद में चलकर इस रिकमेंडेशन में से इनैक्ट किया और लास्ट में 1952 में जाकर इस सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट के लिए या सेंट्रल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, जिसको आज हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से या एम्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये जो एम्स का सेटअप था उसके लिए जो एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन था वो किसके द्वारा दिया गया था, बोर कमेटी के द्वारा, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट विच वेयर देयर विल बी अ स्टडी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द बोर कमेटी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमारे लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड में, द फर्स्ट थिंग इज हु इज़ द पर्सन जिनके अंडर ये बोर कमेटी चल रही थी, दैट वॉज जोसेफ विलियम बोर। सेकेंड, इसका दूसरा नाम क्या है, द सेकेंड नेम फॉर बोर्ड कमेटी इज़ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ये सेटअप कब की गई थी, 1943 प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, एंड ये सबमिट कब किया गया था रिपोर्ट, 1946 में। ओके, इसका एम क्या था, एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो थे इंडिया के उसके बारे में सर्वे करना और फ्यूचर रिकमेंडेशन देना। ओके, इसके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे, रिकमेंडेशंस जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उनमें हमें याद रखना है कि एक रिकमेंडेशन था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज इन दी हेल्थ सेक्टर। सेकंड था डेवलपमेंट ऑफ पीएचसी। डेवलपमेंट ऑफ पीएचसी दो तरीके से, शॉर्ट टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर। शॉर्ट टर्म मेजर में 1 PHC फॉर 40,000 पॉपुलेशन और कितने स्टाफ थे उनकी जो डेटा है वो याद रखनी पड़ेगी। सेकेंड जो था लॉन्ग टर्म मेजर था, लॉन्ग टर्म मेजर में जो प्राइमरी हेल्थ यूनिट है 75 बेडेड हॉस्पिटल का, सेकेंडरी हेल्थ जो यूनिट है 50 बेडेड हॉस्पिटल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो कितना था हमारा, 2500 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, सो इस प्लानिंग को दिया गया था एंड लॉन्ग टर्म जो मेजर है उसको बोर कमेटी में, जो लॉन्ग टर्म मेजर था पीएचसी डेवलपमेंट के लिए उसका दूसरा नाम क्या है वो याद रखेंगे हम, कि 3 मिलियन प्लान। ओके, इसके अलावा जो थर्ड है वो है मेजर चेंजेस, जिसमें 3 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया था प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, जिसके बाद उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, दैट विल द पर्सन विल बी कॉल्ड अ सोशल फिजिशियन। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था वो ये था कि लाइसेंसिएट इन मेडिसिन के सारे कोर्सेज को अबॉलिश कर एक स्टैंडर्ड मेडिकल डिग्री को इस्टेब्लिश करने का रिकमेंडेशन था, जिसे हम कहते हैं MBBS, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो रिकमेंडेशन किसने दिया था, बोर कमेटी ने। नेक्स्ट जो बोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था वो ये था कि एक जो सेंट्रलाइज्ड जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए एक सेंटर डेवलप होना, क्रिएट करना चाहिए, जिसको फिर 1952 में जाके ये जो रिकमेंडेशन था उस पर एक्ट किया गया और 1952 में हमें एक ऐसा ही सेंटर मिला जिसे हम एम्स के नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ओके, सो ये मेजर जो रिकमेंडेशंस थे, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये बोर कमेटी का टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो
आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, आपको कमिटीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में नोट्स और इन्फॉर्मेशन्स वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू।